सर आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ सर। विक्रम वेधा के लिए, जो कि ऋतिक रोशन और सैफ की फिल्म का हमने टीजर देख लिया जबरदस्त है, आज इन्होंने बता दिया कि ट्रेलर आने वाला है 8 तारीख को, सर हाउ मच एक्साइटेड एंड हाउ मच यू नो कन्विंस्ड यू आर विद एंटायर थिंग जो विक्रम वेधा में हमें दिखाई दे रहा है? देखिए, विक्रम वेधा अगर आपने ओरिजिनल फिल्म देखी है तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत ही वेल मेड फिल्म है। हाँ जी, बहुत। और मतलब आपको कहते हैं ना, सीट पे हिलने का मौका नहीं देती। अब आ रही है विक्रम वेधा की रीमेक, और ऋतिक रोशन और सैफ अली खान अगेन पहली बार साथ आ रहे हैं, दो नामचीन, दो दिग्गज कलाकार, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म भी ओरिजिनल की तरह उतनी ही बहुत बेहतरीन बनी होगी। हाँ, मैंने सुना है कि कुछ थोड़े चेंजेस किए हैं, क्योंकि वो ओरिजिनली एक तमिल फिल्म थी, ये पैन इंडिया मार्केट, हिंदी मार्केट को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो मैंने सुना है कि थोड़े चेंजेस किए गए हैं। अब वो क्या चेंजेस है वो फिल्म देखने देखकर पता चलेगा, बट उम्मीद बहुत है, क्योंकि ऋतिक रोशन एक बहुत बड़े स्टार है, और ऋतिक रोशन का जब एक फिल्म, जब वो फिल्म को हाँ कहते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई, एक अंदाजा हो जाता है कि भाई ऋतिक रोशन की जो फिल्म है वो एक क्वालिटी फिल्म होगी। ठीक है, बेशक फिल्म चले ना चले, आप ये नहीं कह सकते कि ऋतिक रोशन को काम नहीं आता या ऋतिक रोशन की एक्टिंग अच्छी नहीं होती। ही इज अ वेरी फाइन एक्टर, और उम्मीद कर रहे हैं कि ऋतिक रोशन सैफ अली खान का जो ये जो टीमिंग है, पहली बार ये पर्दे पर, जैसे अब ब्रह्मास्त्र ने किया है कि शुरुआत अच्छी हुई है, वैसे उम्मीद करते हैं कि दिस विल कंटिन्यू विद विक्रम वेधा। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड हम इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे, और मुझे प्लीज इसी तरीके से आप गाइड करते रहिएगा सर। जरूर जरूर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राहुल, टेक केयर, थैंक यू।